લોકસભાની છેલ્લા તબક્કાની ચૂંટણી 19 મે યોજાવા જઈ રહી છે ત્યારે ભાજપના તમામ દિગ્ગજ નેતાઓ વારાણસી પહોંચ્યા, જ્યાં ભાજપના દિગ્ગજ નેતા લાભચંદ બાફનાએ મંતવ ન્યૂઝ સાથે વાતચીત કરતા જણાવ્યું હતું કે મોદીને મત આપવાથી મોદીનું નહીં પરંતુ મતદારનું પોતાનું ગૌરવ વધશે. સર, બાત કી જાય વારાણસી કા જો ઇલેક્શન 19th કો હો રહા હૈ, માહોલ યહાં કા કૈસા લગ રહા હૈ આપકો ઓર જો સબ લોગ કા એક્સપેક્ટેશન હૈ ક્યા રહેગા ઇસ બાર? लोकतंत्र में चुनाव लड़ना निश्चित रूप से सभी दलों के लिए एक बात देता है, इसलिए सभी अपनी औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं. मोदी को वोट दे रहा हूं, पार्टी और सभी चीजें मोदी जी के व्यक्तित्व के सामने गौण हो चुकी है और मोदी जी एक ऐसे ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं खाली हिंदुस्तान के नहीं पूरे विश्व के, हिंदुस्तान के खोए हुए स्वाभिमान को स्थापित करने के लिए, हिंदुस्तान को फिर से विश्वगुरु बनाने के लिए, हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बनाने, हिंदुस्तान को फिर से धार्मिक आध्यात्मिक महादेश बनाने के लिए हम मोदी जैसे महानायक को अपना एक वोट देकर मोदी जी का सम्मान नहीं हम अपना गौरव बढ़ाएंगे, ये मानसिकता पूरे हिंदुस्तान में. कितने वोटों से सर जीत सकते हैं? मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का नहीं पूरे विश्व का कीर्तिमान अगर कहीं से स्थापित होगा तो वाराणसी से.